हाउ टू एक्सट्रैक्ट योर पब्लिक की फ्रॉम टोकन। तो इसमें ये जो आप पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में एक घर का निशान आएगा, उसको होम बोलते हैं, ऑल्ट प्लस होम आता है, उसके बगल में स्टार का निशान आता है, उसके बगल में ये गियर का टाइप का निशान आता है जिसको टूल बोलते हैं, उसको ऑल्ट प्लस एक्स भी आ सकता है। तो आप ये जो गियर का निशान आ रहा है इसको क्लिक करेंगे, तो गियर का निशान क्लिक करते के साथ आपको ऑप्शन आएगा प्रिंट फाइल जूम सेफ्टी ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एज एड साइट्स व्यू डाउनलोड्स मैनेजर F12 डेवलपर टूल्स इनसाइट कंपैटिबिलिटी व्यू इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट ऑप्शन अबाउट इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट ऑप्शन जो उसको क्लिक कर देंगे, उसको क्लिक करते हैं आपके यहाँ एक विंडो खुल जाएगा जिसमें आएगा जनरल सिक्योरिटी प्राइवेसी कंटेंट कनेक्शन प्रोग्राम एडवांस, ये सब सारे वो आते हैं, सारा सेटिंग वेटिंग। आपको यहाँ पे कंटेंट जो दिख रहा है, कंटेंट प्राइवेसी के आगे है और कनेक्शन के पीछे है, उसको कंटेंट पे क्लिक करेंगे। कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा क्लियर SSL स्टेट्स सर्टिफिकेट्स पब्लिशर्स सेटिंग्स। तो सर्टिफिकेट्स हमको निकालना है तो सर्टिफिकेट्स क्लिक करूंगा मैं। अब जैसे ही मैंने सर्टिफिकेट क्लिक किया तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिखा रहा है, अजय कुमार रंजन का है, मेरा टोकन लगा हुआ उसमें, उसका एक्सपायरी डेट जो है ये है 29/11/2021 का। अब मुझे ये नहीं पता चला है कि ये सर्टिफिकेट डिजिटल सिग्नेचर है या इंक्रिप्शन है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही डिजिटल सिग्नेचर में इंक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर दोनों डाल दिया जाता है। तो आप इसको ये जो है इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो डिटेल्स दिखाता है। डिटेल्स में यहाँ पे आप डिटेल्स में इसको क्लिक करके वर्जन, तो यहाँ नीचे देखिएगा लिख के आने लगेगा वर्जन, सीरियल नंबर क्या है इसका, तो ये सीरियल नंबर आ गया। सिग्नेचर एल्गोरिथम क्या है, ये है सिग्नेचर हैशटैग बोलते हैं, हालांकि ज्यादा सब बहुत इन्फॉर्मेशन जानने का कोई खास फायदा नहीं है, बट हमें जो काम का वो बता देते हैं। इशू किसने किया है, इस कंपनी ने इशू किया है। वैलिड कितने तारीख से था, 29 से हुआ था, कब तक वैलिड था, यहाँ तक था। आदमी का नाम क्या है, तो अजय कुमार रंजन, इसका सिग्नेचर का डिटेल है। पब्लिक की क्या है, ये है पब्लिक की पारा क्या है, ये है ऑथोरिटी की क्या है, ये सब कहानी है। तो नेम इस ईमेल आईडी से इसमें इस डिजिटल सिग्नेचर में ये ईमेल आईडी डाला हुआ है। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बाद क्या है, ऑथोरिटी है, कुछ कुछ है इसका काम नहीं है। ये क्या सर्टिफिकेट वाले की है, की का ये देखिए ये मेन है, यहाँ पे जो की यूसेज लिखा है, ये जो डिजिटल सिग्नेचर इसका यूज किस लिए है, तो इसका यूज है डिजिटली साइन करने के लिए नॉन रेपुटेशन। अगर आपका इंक्रिप्शन रहेगा तो की इंक्रिप्टमेंट लिखा रहेगा, नॉर्मली इंक्रिप्शन और यूसेज के लिए यूज करते हैं। इंक्रिप्शन की जो होता है उसका इस्तेमाल टेंडर अपलोड करने के लिए और टेंडर खोलने के लिए होता है, मतलब वो पूरा फाइल को इंक्रिप्ट कर देता है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता है, तो वो इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है। डिजिटली साइन जैसे हम लोग नॉर्मल साइन करते हैं, ऑनलाइन PO साइन होता है तो उसमें लिख के आया था डिजिटली साइन। अभी ई ऑफिस में हम लोग काफी यूज करते हैं तो उसमें डिजिटली साइन, हम लोग अपना ये जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आता है ये डिजिटल साइन। तो अभी ये पता चल गया डिजिटल साइन है हमारा, तो इसको हम लोग ओके कर देंगे, यहां से बाहर चले जाएंगे। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से अंदर लाना। बोलता है इंडिया गेहूं इंपोर्ट किया, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया है गेहूं, तो इंपोर्ट हो गया, मतलब इस टोकन के अंदर लाना है तो वो इंपोर्ट करना है। बट वो इंपोर्ट आप लोग कर नहीं सकते हैं बिकॉज ये टोकन को लॉक किया गया, बट ऑप्शन दिया है डेवलपर के लिए। एक्सपोर्ट मतलब कि टोकन से बाहर लेके जाने के लिए, एक्सपोर्ट दबाएंगे हम। यहाँ लिखता है वेलकम टू सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट विजार्ड, दिस विजार्ड हेल्प यू कॉपी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट जो भी है इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट दबा दीजिए, नेक्स्ट दबा दीजिएगा तो ये ऑप्शन में आएगा नो डू नॉट एक्सपोर्ट प्राइवेट की जो भी है, उसको कुछ करना नहीं, सीधे नेक्स्ट दबा दीजिएगा। उसके बाद फिर .dir बाइनरी कोड X5, ये .cr ये सर्टिफिकेट का पब्लिक की है, बट दिस की cannot फंक्शन विदाउट योर इंक्रिप्शन, मतलब टोकन लगाए बिना और उसमें पासवर्ड डाले बिना काम नहीं करेगा अगर आइसोलेशन में यूज करें हम उसको। तो ये .dir बाइनरी कोड जो है इसको कुछ नहीं करने का, इसको छोड़ के आगे आगे यहाँ टिक यही वाला है इसको लगा रहे हैं, उसके आगे नेक्स्ट दबा देंगे। तो यहाँ एक फाइल नाम देना है, अब जैसे ये मेरा टोकन है तो मैं इसको अजय रंजन भी लिख सकता हूँ, डिप्टी CMM भी लिख सकता हूँ, तो मैं अपना अजय रंजन लिख देता हूँ, अजय रंजन, ठीक है। ये टोकन का मैं जो एक्सपोर्ट करूंगा उसका ये नाम रहेगा अजय रंजन, उसको कर दूंगा नेक्स्ट और कर दूंगा फिनिश। तो एक्सपोर्ट हुआ सक्सेसफुल। अब ये बात हुआ कि सर एक्सपोर्ट जो हुआ ये हुआ कहाँ पे, गया कहाँ, दिखता कैसा है, तो इसको हम लोग यहाँ सब मिनिमाइज कर देंगे। यहाँ देखिए ये अजय रंजन आ गया यहाँ पे, ये अभी हम लोगों ने डाउनलोड किया, ये आपका पब्लिक की है, इसको आप
कॉपी कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे को मेल करना है मान लीजिए, तो मैं एसएमएम साहब को मेल करता हूं इसको, तो एसएमएम साहब को मेल करने के लिए मुझे चाहिए ईमेल आईडी मुझे मिलेगा जीमेल से। तो मैंने जीमेल में गया, यहां पे लिखा एसएमएम ईएल को लिख दिया मैंने कि एसएमएम ईएल हेडक्वार्टर, लिखा कि पब्लिक की ऑफ माय डीएससी और इसको मैंने इसको साइड कर दिया यहाँ पे, ऐसे कर दिया। आप वहां से भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ अटैच वाला जो इससे भी अटैच कर सकते हैं, बट मैं शॉर्टकट करता रहता हूँ। इसको पकड़ के यहाँ खींच के यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे अटैच हो गया। अटैच करने का तरीका यहाँ से भी अटैच होता है, मैं ये शॉर्टकट वॉर्टकट करता रहता हूँ मैं, तो ये अटैच हो गया। इसको मैंने एसएमएम साहब को भेज दिया, तो यहाँ पे इसको एसएमएम साहब को मैंने सेंड कर दिया। तो ये जो पब्लिक की है वो एसएमएम साहब के पास चला गया। अब एसएमएम साहब के पास जमा हो जाएगा। अब जैसे पार्थो क्या करता है वो मैं बता देता हूँ। पार्थो क्या करता है, आपका उसमें प्रोफाइल क्रिएट करता है आईडीपीएस में, चूंकि एडमिन है, और वहां पे आपका लॉगिन आईडी क्रिएट कर देगा, डाल देगा, और ये पब्लिक की को उसमें फिट कर देता है। जब आप और आपको बोल देता है आपका लॉगिन आईडी ये है, पासवर्ड ये है, फिर आप आईडीपीएस में जब जाते हो तो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो, फिर वो बोलता है टोकन का पासवर्ड डालो। तो टोकन आप जैसे लगाते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट इसमें लगा हुआ है अंदर में, वो और वो वहां मैच करता है, और फिर आप पासवर्ड देते तब आगे जाने देता है वो। तो दिस इज हाउ इट फंक्शंस एक्चुअली। तो ये एक सिस्टम है। तो आई थिंक इट इज क्लियर एंड हाउ टू एक्सपोर्ट एंड हाउ टू सेंड टू समबडी। तो मैं ये जो ऑनलाइन स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग जो चल रही है दैट आई विल स्टॉप, एंड बिकॉज वो अननेसेसरी का ज्यादा होने का कोई फायदा नहीं है। एंड उसका था